जाके अपने को चल के जाना पड़ेगा। लास्ट लोकेशन यही बता रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या इधर से जा सकते? चलो जल्दी सर्च करो, इधर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कुछ ना कुछ लूट करके ही गया होगा। सर्च करो। निकालो निकालो, बहुत ज्यादा बदबू मार रहा सर। लैब में भेजो, लैब में भेजो, इसको टेस्ट करो। क्या है लैब में भेजो? ठीक है सर। सर हमने जो फाइंड आउट किया था ना, हाँ उसका रिजल्ट आ गया। क्या है क्या है सर? इसमें बता रहे हैं कि एक इंसान का भी पार्ट मिला हुआ है और जानवर का भी पार्ट मिला हुआ है सर। ये कैसे हो सकता है सर? एक मोटा जिन केमिकल आता है ठीक, वो मिक्स करने से डीएनए चेंज हो जाता है सर। मतलब कोई जान बुझ कर ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रहा है? नॉर्मल इंसान फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये इंसान का है कि ये अभी जानवर का है। मालूम चल रहा है, मालूम चल रहा है वो। तो ये मिलता है कहाँ पे ये केमिकल सर? ये मिलता नहीं है सर, एक सेंटर होता है जो सेंटर से वो सराउंडिंग हॉस्पिटल को वो सप्लाई करते हैं सर। तो तुम सेंटर को कॉल करके पूछे क्या हो? हाँ पूछा सर, उन्होंने बोला कि वो 10 हॉस्पिटल को दिए हुए। तो हॉस्पिटल को कॉल करना चाहिए? हाँ किया सर, वो बोल रहे हैं कि 10 हॉस्पिटल को कॉल किया तो सब बोल रहे हैं लिए, बट एक हॉस्पिटल उसमें से बोल रहे हैं कि उस दिन हम लोग नहीं लिए सर। लेकिन सेंटर वाला बोल रहा है कि हम सबको दिए। हाँ सर वो बोल रहे हैं कि हम लोग सबको 10 हॉस्पिटल को दिए। तो मतलब यहीं पे कुछ गोलमाल है, क्योंकि ये बोल रहा है मैं 10 हॉस्पिटल को दिया, लेकिन हॉस्पिटल मना कर रहा है। हाँ कि हाँ सर नहीं लिया। तो यहाँ पे कंफर्म कुछ गोलमाल है। चलो वहाँ जाते हैं जाके, क्योंकि वो वैसे भी 10 हर दिन देता है, एक दिन सडन से नहीं दिया तो उसको याद ही होगा कौन आके लेके गया। हाँ वहाँ सीसीटीवी कंफर्म होगा। हाँ सर तो उसमें भी फोटो जाएगा। हाँ तो वहाँ जाने से कुछ ना कुछ एविडेंस मिलेगा। फोटोज ले लिया, सब दे दो भाई जानकारी क्या? सबसे खंडर एरिया यही है। अच्छा तो 25 मिनट में वो ये सराउंडिंग में ही होगा। तो क्या करो अभी अपने टीम से एक 10 मेंबर को बुला लो, इधर छानबीन करो, मिल जाएगा इधर ही कहीं जाएगा। 10 मेंबर को बुला लो, सबको बोलो इधर उधर देखने के लिए, मैं इधर देखता हूँ।
इंडिविजुअल होगा अभी। आज आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये प्रेस मीटिंग क्यों रखा गया है। एक्चुअली साइको किलर पकड़ा गए हैं, वो तो आप लोग न्यूज़ में भी देख के जानकारी हो गया होगा कि साइको किलर हमारे हाथ फंस गए। लेकिन मेन जो मेन मकसद था मेरा ये मीटिंग रखने का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये साइको क्यों इस तरह से कर रहा था, क्यों इस तरह से बेरहमी से सबको मार रहा था। मैं ये आपसे आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी आए हैं और जो भी उनको बताना है कि ये क्यों इस तरह से कर रहा है। तो ये जो साइको किलर है, ये क्या दिमागी हालत से कुछ प्रॉब्लम था या कुछ पहले से ही इसको डिप्रेशन ऐसा कुछ था क्या, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जो इनके पेरेंट्स थे, मॉम डैड, वो बिना शादीशुदा साथ में रहते थे, बिना शादीशुदा साथ में लिविंग टुगेदर जैसे रहते थे और साथ में रहते हुए उस टाइम ये पैदा हो गए। और उस टाइम से इन जैसे आप पुष्पा देखे होंगे, पुष्पा में जैसे उनको चिढ़ाते हैं कि बिना ब्रांड का है, उसी तरह जब बच्चे से अनाथ आश्रम में इधर उधर रहा हुआ, इसको सब इधर से कोई इधर उधर चिरा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसको मन आता है मार के चला जाता है, जिसको जो दिल किया वो उसको, वो बच्चा छोटा सा बच्चा से बड़े तक वही सुन सुन के उसके दिमाग में वही घुस गया कि जो भी मेरे को देखता है कोई अनब्रांड का बच्चा है, कोई बोलता है बिना बाप का बच्चा है, कोई कुछ बोलता है, ये सब उसके दिल में दिमाग में बच्चे से बैठते वो अब इस तरह से हो गया कि अब ऐसा कोई नहीं होना, अब किसी के साथ ऐसा नहीं होना कि उसको कोई ऐसा बोले। इसीलिए वो ऐसा फैसला ले लिया कि ऐसा जो भी करता है गलत, जो बिना शादीशुदा करके रिलेशनशिप में रह गया ऐसा कुछ करे, उससे चुन चुन के वैसे आदमी लोग को मार रहा था। ये हमारे हिसाब से देखे तो नॉर्मली हर किसी को ये तकलीफ होगा तो वो करेगा, इसीलिए वो ऐसा ही किया। लेकिन ये कानूनी देखो तो गलत है, कानूनी अब कुछ गलत हो रहा था, वो कानून का काम है कि वो ठीक करे, उसको जाके बताएगा करेगा कि आपका नहीं है कि आप हाथ में खुद ले लें और आप ही कुछ करने लगे तो फिर कानून क्यों है। लेकिन उसने ये गलत किया है कि खुद वैसा किया। लेकिन आप लोग भी हैं कि अपने आने वाले बच्चे फ्यूचर के बच्चे लोग को बचाना चाहते हैं, आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों का काम है पेरेंट्स का जो साथ में फ्रेंडली रहें बच्चे लोग को और बच्चे लोग को समझाएं क्या गलत है क्या सही है, कि आगे चल के वो लोग को मालूम चले कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है, इसके लिए किसी का लाइफ बेकार हो जा रहा है, इसके पीछे किसी के पेरेंट्स का लाइफ बर्बाद हो गए, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। इसलिए पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को समझाएं और कॉलेज जो बच्चे लोग हैं वो लोग थोड़ा ये सब पे ध्यान दें, ये सब गलत है। तो गलत अगर आप किसी के साथ रिश्ते में रहते तो उनका जो आप जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करें, ऐसा नहीं कि बीच में शादी करके बीच में बिना शादी का छोड़ दें, ये सब गलत है। ये सब आपका काम है कि आप समझाएं बच्चों को, अपने फ्यूचर उनका भी सही रखें और आप लोग भी फ्यूचर में सही रहना चाहते हैं, ऐसा ना हो फिर से।
आप लोगों को ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा, और मैं यही समझाना चाहता हूँ, और कुछ आपको बताना है?